देखो ये कौन आ गया। मधुर आवाज के मालिक इखलाक अहमद को फिल्म पाजेब के जरिए पहली बार फिल्मी नगमे गाने का मौका मिला, मगर इनकी पहचान बनी 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म चाहत के गीतों से। सदाबहार गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलते हैं। दिलचस्प बात है कि इखलाक अहमद के सबसे यादगार फिल्मी नगमे इनके दोस्त नदीम पर ही फिल्माए गए। 26 साल फिल्मी कैरियर में इखलाक अहमद ने 62 फिल्मों के लिए 100 के करीब गीत गाए, जबकि इन्हें बेहतरीन गुलकार की हैसियत से 8 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। 80 की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो इखलाक अहमद ने खुद को टीवी तक महदूद कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी गाना 1998 में फिल्म निकाह के लिए गाया। ये दिल है सोने दिलदार का। गुलकार इखलाक अहमद ने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त कैंसर से लड़ते हुए गुजारा। वो 4 अगस्त 1999 को जिंदगी की जंग हार गए, मगर उनके गाए हुए गीत आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। सई चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। कभी ख्वाहिशों ने लूटा।